ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास टेंथ में चैप्टर नंबर 10 दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम लोग पिछले लेक्चर में कनकेव लेंसेस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसके रूल्स के बारे में पढ़े थे, है ना। मींस इन दिस चैप्टर इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कनकेव लेंसेस एंड इट्स रूल्स, है ना। मींस रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कनकेव लेंस, है ना। हम लोग रूल्स के बारे में पढ़े थे, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन को देखने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कनकेव लेंस, है ना। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश, एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की ओर, है ना। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कनकेव लेंस, इस टॉपिक में जो है हम लोग दो केस को स्टडी करने वाले हैं, दो केस को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला केस जो है हमारा होगा जिसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी और फोकस के बीच में रखेंगे, है ना। कनकेव लेंस के इन्फिनिटी और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसका इमेज फॉर्मेशन, उसके पोजिशन ऑफ इमेज, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज को देखेंगे, है ना। और दूसरे केस में जो है ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखकर उसका इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे, है ना। तो हम लोगों का सबसे पहला केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड इन्फिनिटी, है ना। फोकस और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखें तो उसका इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगा, उस चीज को अभी हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज जो है सबसे पहला केस जो है हम लोग केस वन, है ना, केस वन हम लोग देखने वाले हैं। क्या केस वन जो है होगा, क्या, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड फोकस, है ना। फोकस और इन्फिनिटी के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखेंगे और उसका इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं, है ना। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं दिस इज अ कनकेव लेंस, है ना, एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस कनकेव लेंस। दीज आर द टू फोकसेस फोसाई ऑफ दिस कनकेव लेंस, है ना। हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए बी को हम क्या कर रहे हैं, इस कनकेव लेंस के सामने रख रहे हैं, जो कि इस कनकेव लेंस के फोकस और इन्फिनिटी के बीच में किसी पॉइंट पर है, है ना। दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड फोकस इन फ्रंट ऑफ दिस कनकेव लेंस, है ना। इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द इमेज एंड वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड, वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इमेज फॉर्मेशन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग मिनिमम टू लाइट रेज को इस ऑब्जेक्ट से इस लेंस में रिफ्रैक्ट करवाएंगे और जहां पर रिफ्रैक्टेड रे कट होगा, इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, वहीं पर जो है हमको इमेज मिलेगा, है ना। तो सबसे पहला लाइट रे हम यहां से कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज द हेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द टेल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। दिस पॉइंट ए इज द हेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस पॉइंट बी इज द टेल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, है ना। नाउ द फर्स्ट रे ऑफ लाइट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए, है ना, एंड दिस लाइट रे इज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो जो लाइन
लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस लेंस इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस पॉइंट, है ना। मींस आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसा लगेगा, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस फोकस पॉइंट। यहां पर लाइट रे को थोड़ा सा जो है आप एडजस्ट कीजिएगा, है ना। यहां पर लाइट रे इधर से निकलना चाहिए था, इस लेंस को थोड़ा सा बनाने में हम मिस्टेक किए हैं, ठीक है। तो उस चीज को आप समझ सकते हैं, है ना। तो हम लोग जो है यहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को जो है ला रहे हैं, है ना, पैरेलल लाइट रे को यहां पर ला रहे हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये लाइट रे है, है ना। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कैसा लगेगा कि इस फोकस वाले पॉइंट से वो लाइट रे निकल रहा है, है ना। तो ये पहला लाइट रे का हो गया। दूसरा लाइट रे को हम इस पॉइंट ए से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब गुजारेंगे, है ना, तो अनडेविएटेड, है ना, अनडेविएटेड वो क्या होगा, वो जो है मींस इस लेंस को पार कर जाएगा, है ना, इस लेंस को पार कर जाएगा अनडेविएटेड, है ना। अब देखिए ये एक रिफ्रैक्टेड रे है और ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, है ना। दोनों का नेचर कैसा है देखिए, डाइवर्जिंग, है ना, ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहा है, है ना। तो देखिए ये लाइट रे आगे चलकर और ये लाइट रे, दोनों लाइट रे जो है जब आगे जाएगा तो कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा क्या, नहीं, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तब हम क्या करेंगे, इस लाइट रे को पीछे की ओर प्रोसीड करेंगे, है ना, पीछे की ओर प्रोसीड करेंगे इस लाइट रे को, है ना। और ये लाइट रे तो ऑलरेडी जो है पॉइंट ए से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर होकर जा रहा है, है ना। तो इसको हमको प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट पे ये जो है कट कर रहा है, है ना। मींस हम इस पॉइंट से मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, है ना, ये पॉइंट डी से जो है जब पीछे की ओर फोकस पर उस पॉइंट मींस ये लाइट रे को हम पीछे की ओर प्रोसीड कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ए डैस, है ना। और जब इस ए डैस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस पे तो जहां पर वो कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बी डैस बोल दे रहे हैं, है ना। तो ये ए डैस और बी डैस जो है हमारा इमेज मिल गया, है ना। मींस द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन बिटवीन फोकस एंड दिस ऑप्टिकल सेंटर, है ना। मींस हम लोगों को जो इमेज मिलेगा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर मिलेगा, है ना। तो देखिए हम क्या किए इस इमेज फॉर्मेशन के लिए, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर किए ए बी, है ना, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर किए ए बी जो कि इस कनकेव लेंस के इन फ्रंट में रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस और इन्फिनिटी के बीच पर है कहीं, है ना। अब हम क्या किए कि एक पैरेलल लाइट रे को इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे को पॉइंट ए से जो है हम लिए और उसको रिफ्रैक्ट करवाएं इस लेंस से, है ना, और हम बोल देते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में जो है रिफ्रैक्ट हुआ, है ना। वो जो लाइट रे है वो किस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हुआ, एक्स डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हुआ, है ना। फिर से इस पॉइंट ए से एक लाइट रे को लिए जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर से होकर उसको पास करवाएं और ये जो है वाई डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट कर गया। अब हम देख रहे हैं कि ये dy और cy ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो डाइवर्जिंग नेचर का है, है ना, डाइवर्जिंग में से एक दूसरे से दूर भाग रहा है, है ना, तो वो कहीं पर आकर इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे से। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर जो है इस रिफ्रैक्टेड लाइट रेज को हम पीछे की ओर प्रोसीड कर रहे हैं, है ना, इस लाइट रे को हम पीछे की ओर प्रोसीड कर रहे हैं और हम देखें कि यहां पर वो जो दोनों लाइट रे है वो बाइसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, है ना। तो यहां पर एक पॉइंट ए डैश बना और इस पे जब हम इस ए डैश पॉइंट से जो है परपेंडिकुलर इस प्रिंसिपल एक्सिस पर डाले तो वो पॉइंट जो है वो बी डैश बन गया। तो इस तरह से हमको जो इमेज है वो मिल गया ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी, है ना। और ये इमेज हमको कहां मिला, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिला, है ना।
ये इमेज जो है हमको छोटा साइज में मिल रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा है ये साइज में, है ना। और हम यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो इमेज है वो एक्चुअल लाइट रे का इंटरसेक्शन से नहीं बन रहा है, मींस ये जो इमेज है वो अपीयर्स टू मीट वाले फॉर्मूले से यहां पर इमेज बन रहा है, तो ये इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज होगा, है ना। और एक चीज हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जिस तरह से इस इमेज का हेड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है इस प्रिंसिपल एक्सिस से, उसी तरह ऑब्जेक्ट का भी जो हेड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, मींस जो इमेज बन रहा है हमारा वो सीधा इमेज बन रहा है, मींस इरेक्ट इमेज बन रहा है ना। तो इन सभी बातों को दिमाग में रखते हुए हम लोग लिख सकते हैं इस इमेज का नेचर को, है ना। मींस कीपिंग दीज पॉइंट्स इन आवर माइंड वी कैन राइट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड फोकस इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस, है ना। तो नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, है ना। तो सबसे पहला नेचर क्या, इमेज कहां पर बना, इन बिटवीन, इमेज बना कहां, इन बिटवीन, इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना। मींस फोकस मींस एफ, ऑप्टिकल सेंटर मींस सी, इस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो है इमेज हमको मिला। इमेज कैसा है, इमेज जो है वर्चुअल है, मींस लाइट रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन यहां पर नहीं हुआ है, है ना। तो इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है और साइज जो है इमेज का वो छोटा साइज है और इमेज जो है वो इरेक्ट मींस सीधा इमेज बना है, है ना। तो दूसरा नेचर हम लोग लिख सकते हैं कि वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, है ना। और तीसरा नेचर हम लोग लिख सकते हैं, तीसरा नेचर क्या कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना, मींस डिमिनिश्ड इमेज बना है, है ना। इमेज जो हमारा बना वो कैसा बना, डिमिनिश्ड बना है, है ना। तो देखिए जब हम कनकेव लेंस के इन्फिनिटी और फोकस के बीच पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है वो इमेज जो है उसका नेचर किस तरह है, वो इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है, है ना। और इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, है ना। और जो इमेज है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मींस डिमिनिश्ड इमेज बनता है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको इस लेक्चर से जो इमेज फॉर्मेशन है कनकेव लेंस का, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं किसी कनकेव लेंस का, है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।